तो कोर्स कवरेज हमारी असल में ना F2 के अंदर, F2 का मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और मैनेजमेंट F2 मतलब जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, असल में ना इस सब्जेक्ट के अंदर जो मेन चीज है वो ये है कि जो आपके बिजनेस, एक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी F3 पढ़ना है ना आपने, ठीक जी है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज लाइक, जैसे आपको जब आप बिजनेस करते हो तो फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली सारी, जब जितने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे ना वो इस तरह होंगे कि जैसे बिजनेस के अंदर के मामला, बिजनेस मैनेज किस तरह हो रहा है उसकी अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इसके जो मेजर पोर्शन है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मेजर पोर्शन, चैप्टर वाइज, चैप्टर नेम नहीं बल्कि चैप्टर जो पोर्शन जिस तरह एग्जामिनर ने, जिस तरह आपके ACC ने डिवाइड किए हुए हैं, तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है कॉस्टिंग। अब ये एक पोर्शन है जिसके अंडर आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन पहले 4 5 6 चैप्टर्स मिलेंगे। उसके बाद आपका जो दूसरा मेन मेन पोर्शन है वो है बजटिंग। अब बजटिंग करना तो ऑब्वियसली बिजनेस के अंदरूनी मामला आता है ना, कि बजटिंग, बजट जी करना, प्लान बनाना, वो बिजनेस अंदर मैनेज करता है उसको। उसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन है, डिसीजन मेकिंग है लेकिन बहुत कम लेवल पे है। असल में डिसीजन मेकिंग आपका था MA 2 लेवल पे, लेकिन आपको अभी एग्जाम है इसमें बहुत, मतलब कि एक चैप्टर या मैक्सिमम 2 चैप्टर्स होंगे जो डिसीजन मेकिंग रिलेटेड होंगे, और ये आसान से चैप्टर्स हैं। मतलब आसान तो सारा इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगा, ये ऐसा कि आसान लगेगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेटिवली वो आसान चैप्टर्स हैं। इसके अलावा आपका जो इसके अंदर जो मेन चीज है वो है डेटा एनालिटिक्स। 2 चैप्टर आपके इस तरह के हैं जो डेटा एनालिटिक्स की बेस पे, यानी कि बिजनेस के अंदर जब आपको डेटा मिलता है तो उसको एनालाइज करना, इससे रिलेटेड कुछ है, कुछ चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं जो कि चैप्टर नंबर BPP के मुताबिक चैप्टर 4A और 4B है, और कैप्टन के मुताबिक चैप्टर नंबर, उसका नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि वो लास्ट कुछ 5 6 चैप्टर्स के बाद ही आते हैं। तो मैं आपको जो फॉलो करवाऊंगा बुक वो है BPP, एक होती है आपको, आपने बाकी बुक्स कौन सी फॉलो की हुई है BPP, कैप्टन, F1 और F4 में? मैंने कैप्लन फॉलो की है, और लेकिन जो पास पेपर्स हैं वो बीपीपी के भी किए हैं, कैप्लन के भी किए हैं, और ठीक मेरे है, पास एमए की भी कैप्लन की बुक पड़ी हुई है पास अभी भी। पेपर्स या किट? किट, सॉरी, किट, यस, ओके। तो यस, किट, किट में ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, किट में हम इस तरह करेंगे कि BPP मैं करवाऊंगा, ठीक है, BPP मैं जी, सोल्व कराऊंगा क्लास में, यानी कि सारी सोल्व कराऊंगा, खुद कराऊंगा क्लास, चैप्टर खत्म हो ओके, जाने के बाद पूरी हम एक दफा BPP क्लास में करेंगे। कैप्लन मैं आपको दूंगा इन असाइनमेंट, क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि हम किट्स दोनों करें। F2 पेपर थोड़ा सा टेक्निकल है एज कम्पेयर टू बाकी F4 तक के पेपर के लिहाज से, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको, टेक्निकलिटी को खत्म करने के लिए मेजर चीज आपकी प्रैक्टिस है, जो कि अगर हम एक BPP सिर्फ खुद करें और कैप्लन आप असाइनमेंट में करो, ठीक है, और जहां इश्यू आए आपने मुझे बता देना है, उस दिन अगले दिन कैप्लन से रिलेटेड भी MCQs करवा दूंगा, और जहां मुझे लगा कि हमारी BPP की प्रैक्टिस काफी नहीं है वहां कैप्लन के भी खुद करवा दूंगा, कहीं ज्यादा डाटा की जरूरत हुई, ज्यादा MCQs की जरूरत हुई, वहां मैं आपको खुद MCQs प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जी अब बुक की बात सुनो कि बुक जो है ना जी रीड नहीं करनी आपने। अब बुक रीड नहीं करनी तो क्या करना है, हम जब पढ़ेंगे ना यहाँ पे, ये वन नोट जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, इस तरह मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा और साथ साथ यहीं पे नोट्स बनाऊंगा, ये PDF जी डेली बेसिस पे आपको मिल जाया करेंगी। आपने PDF रिवाइज करनी, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहाँ से रिवाइज करने हैं, और जी MCQs कर लेने हैं फ्रॉम द किट, असाइनमेंट में जो दी होगी मैंने किट, और एक तो मैं क्लास में करूंगा, एक असाइनमेंट में। अब ये आपको, एक तो ये PDF रेगुलर बेसिस पे वो मैनेजर आपको सेंड कर दिया करेगी, और दूसरा ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर बुक में ऐसा कोई पोर्शन आता है जिसको रीड करना जरूरी है, यानी आपको उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो मैं आपको खुद जी बताऊंगा आपने कहाँ रीड करना है, ठीक है, आपने फुल ओके बुक रीड नहीं करनी। हाँ, अगर आपका शौक है, यानी कि बहुत ज्यादा आपको टाइम भी है और शौक भी है, देन यू कैन गो फॉर द रीडिंग, बट आपको है कि यार तैयारी करके अच्छे नंबर लेने, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स के अलहमदुल्ला अच्छे नंबर भी आते हैं, और जी क्या कहते हैं बुक्स, मैं उनको नोट्स वगैरह अपने यही वन नोट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, या जहाँ PDF बनाई होती है वहाँ PDF, वर्ड वर्ड PDF प्रोवाइड कर देता हूँ, उतने बहुत हैं नोट्स, वो काफ़ी हैं, ठीक है। तो मेजर फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि एक तो रेगुलरिटी, कि क्लास के अंदर रेगुलर रहना, और जी दूसरा ये कि प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें पक्की रखना, इंशाल्लाह आफ्टर 2 मंथ्स यू विल सी के जब यू विल सेटल द एग्जाम इट वुड बी एक्सीलेंट, इट वुड रिजल्ट एक्सीलेंट फॉर यू। तो बात ये कि बस ये 2 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं इस पर फोकस रखना, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि ये कहते हैं ये भी करो वो भी करो, मैं वो साथ वैसे भी नहीं हूँ, और वो क्या कहते हैं, मैं बस एक एक लिमिटेड चीज़ बताता हूँ। लिमिटेड चीज़ का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नॉलेज खत्म करूंगा,
जब मैं पढ़ाऊंगा यू कैन मैच इट विद द बुक, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना पढ़ाया हो। हाँ रीअरेंजमेंट्स हो सकती हैं, जो कुछ टॉपिक पहले कुछ टॉपिक बाद में, वो तो ऑब्वियस ही बात है, बुक के मुताबिक इतना भी एग्जैक्ट नहीं होता, बट टॉपिक कोई हमारा मिस नहीं होगा। जी तो ओके बस ये कि लोड वगैरह मैं आप नहीं करूंगा। मुझे आप एक और बात बता दो, इसके अलावा फिलहाल कोई पेपर पढ़ी आप? नहीं मैंने बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली F4 दिया है, ये जो अभी डेट्स आई F4 इज थी पास, पास हो गए, जी वो भी पास है, F1 भी पास है, क्योंकि F1 वो भी। थ्योरी थे, मुझे था कि वो ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे, तो हाँ इसलिए आई पिक्ड नंबर ठीक है ठीक फोर है, नाउ यू आर गोइंग टू F2, मतलब F2 के बाद फिर आप F3 पढ़ेंगे ना? ठीक F3 दूंगी जी इंशाल्लाह। है ठीक है, डन। एक मिनट। अच्छा इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मतलब मेरा नाम एहसन जुबैर, ऑब्वियसली आपने पढ़ ही लिया होगा। बाकी ये है कि इतना मैं ज़्यादा कोई वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं कि मैंने ये किया वो किया, ऐसा कोई सीन मैं बताता बताता नहीं। मैंने जो भी किया मैं पढ़ाता हूँ बस, फिलहाल मैं पैक में पढ़ा रहा हूँ, साथ अपने इदारे में पढ़ा रहा हूँ, और वन टू वन सेशन में देता हूँ, जिस तरह ये वन टू वन सेशन जिसमें ऑनलाइन बैच में मे भी एक बच्चा हो या दो या तीन बच्चे हो, इस तरह के सेशन मेरे होते रहते हैं, जिसमें मेरे पास टाइम हो तो मैं 2 महीने के लिए स्टार्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जब दिल होता है पढ़ा देता हूँ, जब नहीं होता तब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मेरे चल रहे होते हैं। तो वो मतलब फुल डे में एक फुल टाइम टीचर हूँ, और फुल टाइम हाफ डे मेरा चलता है इधर कॉलेज, पैक कॉलेज, पैक मेरा है ला रावलपिंडी या इस्लामाबाद में भी, इसका शायद है कंफर्म नहीं मुझे, बट क्या कहते हैं नहीं पैक पेशावर में, सॉरी पैक पेशावर में और लाहौर में, तो क्या कहते हैं वहाँ पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरा जो इदारा है इसके इसके अंदर मेरी मैनेजमेंट होती है, तो मतलब फुल डे मेरा पढ़ाने और इन्हीं चीज़ों को मैनेज करने में गुजरता है। तो क्या कहते हैं इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से भी यही होगा कि टाइमिंग में हम लोग रेगुलरिटी रखें, यानी कि 4:30 मैक्सिमम 4-5 मिनट लेट हो, इससे ज्यादा लेट नहीं हुआ करेगी, और अपने टाइम पे खत्म हुआ करेगी, ताकि आपको ही पता हो कि रोज इस टाइम पे हमने पढ़ने। और तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कोस्ट क्लासिफिकेशन। अच्छा कोस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहला चैप्टर, सबसे बेसिक लेवल पे जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझा जाता है तो सबसे पहले कोस्ट का और कोस्ट क्लासिफिकेशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक चीज जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर है वो कोस्ट ही होती है। अच्छा कोस्ट क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसको अलहदा अलहदा करके देखना जरूरी है कि कोस्ट का क्या मतलब है और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। अब कोस्ट का क्या मतलब है, देखो हम फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं उसके बदले पे करते हैं, ऑब्वियसली एक भी चीज ली हम उसके बदले पे करेंगे, कोई भी चीज को पाने के लिए उसके बदले में जो आप अमाउंट उसके लिए पे करते हो वो उस चीज की क्या होती है, कोस्ट होती है। कॉस्ट ठीक है तो कोस्ट क्या होता है, एनी अमाउंट इंकर्ड, इंकर्ड का मतलब जो या एनी अमाउंट पेड लिख दो, इंकर्ड की जगह जी बेस्ट ये है, एनी अमाउंट पेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कल से इंशाल्लाह ताला ये जो नोट्स मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ ना ये मैंने पहले से लिखे होंगे, आज जरा थोड़ा सा बिजी था तो इससे ये होगा कि हमारा जी टाइम बच जाया करेगा, उसको मैं फिर डिस्कस कर दिया करूँ। अच्छा कोई ओके भी अमाउंट जो आप पे करते हो टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव पाने के लिए, वो आप उस जी चीज की कॉस्ट होती है। और क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड करना, ठीक है ग्रुपिंग करना। हम बचपन में, बल्कि आपने साइंसेस रिसेंटली पढ़ा है तो जी वहां पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी होती है कि ये क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है, ये इस क्लासिफिकेशन से रिलेट करता है, एंड ऑल ऑफ जी दैट क्या होता है कि आपने चीजों को ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है ऑन द अच्छा बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेलिंग और राइटिंग अपने अपने, ठीक है ना। अच्छा तो अब ऐसा है कि ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चीजों को ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर का नाम, यानी चैप्टर का नाम पहले समझेंगे फिर चैप्टर समझ आएगा, जी तो चैप्टर का इकट्ठा नाम कोस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ, इकट्ठी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा कि ग्रुपिंग ऑफ कोस्ट किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा अब थोड़ा सा ये तो हो गया सर जी आपका क्या कहते हैं एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन, आप थोड़ी लॉजिक की तरफ जाते हैं। लॉजिक देखो, अब फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं,
कोई जी डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्शन कर रहा होता है, कोई डिपार्टमेंट आपकी हम्म, सेल्स कर रहा होता है। जो प्रोडक्शन कर रहा होता है उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके जी अलावा जो जो डिपार्टमेंट बेच रहा होता है वो सेलिंग डिपार्टमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिशियल मार्केटिंग, काम कर रहा होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है या एडमिन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जो रिसर्च डिपार्टमेंट कर रहा होता है उसे रिसर्च डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये हर जी डिपार्टमेंट जो है ये अलहदा अलहदा खर्चा लगा रहे होंगे ना, कोस्ट कर लगाते हैं ना, क्योंकि देखो जी ऑफिस ऑफिस में कंप्यूटर्स की कॉस्ट है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट है, उनकी सैलरी देनी है, उसके अलावा पेपर वर्क है उसकी कॉस्ट है, इंटरनेट टेलीफोन, इतनी बेतहाशा कॉस्ट आपको मिलेंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाओ तो मशीनरी जो पड़ी हुई है, माल जो चाहिए जी जिसको कन्वर्ट करना है इनटू द फिनिश गुड्स, वो आपका अवेलेबल होगा। और भी फैक्ट्री के अंदर गार्ड है, फैक्ट्री के अंदर कोई हेल्पर है, कोई मतलब, और इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, इतने खर्चे तो हो रहे हैं। तो अब एग्जैक्टली सारे के सारे खर्चे को अलहदा अलहदा क्लासीफाई करना जरूरी है। उसकी रीजन क्या है, हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, यानी हमें क्या किस बात की टेंशन पड़ी हुई है कि हम क्लासीफाई करें। हम ये क्यों नहीं कहते कि यार बिजनेस सारा का सारा इकट्ठा है, ये 1 करोड़ उस पर 1 महीने की कॉस्ट है, ये ठीक है यार 1 करोड़ पकड़ लो। हम क्यों नहीं कहते, अब इसकी मेन वजह बताता हूँ। कॉस्ट को क्लासीफाई किया क्यों जाता है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन समझ आइए, बेसिक डेफिनेशन, जी आ गया। बेसिक डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन इसकी वजह क्या पेश आई जिस वजह से कॉस्ट क्लासिफिकेशन की जाए, क्या अहमियत क्या उसकी, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जी देखो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। मैंने उस जी प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि मेरे मालिक ने या जो हमारी कॉस्टिंग देख रहा है, जो हम कितना कितना खर्चा लगा रहे हैं, जो बंदा भी देख रहा है, जो भी बंदा जी फाइनेंस का बंदा या जो भी हमने अकाउंटेंट रखा हुआ है, जो हिसाब किताब रख रहा है, उसने देखना ही नहीं है कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कितना खर्चा लग रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सोचेगा मैं जितना मर्जी खर्चा लगा दूं, उन्होंने तो एट द एंड टोटल हो कॉस्ट देखनी है ना, 1 करोड़ लग गई, 1.5 करोड़ लग गई, या जितने करोड़ लग गई, या छोटे बिजनेस में 50 लाख लग गई, उन्होंने तो बाद में पूछना ही नहीं है कि यार कौन ज्यादा लगा रहा है कौन कम लगा रहा है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है थोड़ा उसके अंदर वो बदनीयत होगी, उसने क्या किया, पर्सनल यूज करना शुरू कर दिया पैसों को, यानी कि पैसे चोरी करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि बिजनेस के मालिक ने देखा कि पहले हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी कॉस्ट कम थी, एकदम से कॉस्ट ज्यादा क्यों लग गई है, तो वो एक परेशानी की तरफ गया, उसने कहा यार कुछ चेक करो। फिर उसके बाद अकाउंटेंट ने कहा कि हम इस तरह क्यों नहीं करते कि क्लासिफिकेशन कर दें कॉस्ट की, हम देखें प्रोडक्शन वाले ने कितना खर्चा लगाया, उसको हमने कितना प्लान दिया और उसने जी कितना लगाया, सेलिंग वाले ने कितना लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना लगाया, क्लासिफाई करेंगे तो उसको ऊपर कंट्रोल रखना आसान होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि पॉसिबल आप कंट्रोल रख सकते हो ओवर द होगा। कॉस्ट इंकर्ड। ये पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। यस सर इट्स दूसरा क्लियर। ये, जब बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता ना, अव्वल तो देखो ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आज अकेला पढ़ा रहा हूँ, 2 सालों बाद जी मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अभी भी टीचर्स, मैंने अपने साथ टीचर्स रखे हुए हैं F1 के, F3 के और फर्दर सब्जेक्ट्स के, तो वो हम लोगों का एक इंस्टीट्यूट है अकाउंटेंसी आपके नाम से, उसमें मैंने टीचर्स रखे हुए हैं जिसमें मैं F2 ही पढ़ाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जी कि मैंने उन टीचर्स को रखा हुआ है, अब कल को इदारा हम फिजिकल कन्वर्ट कर लेते हैं, कल को एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है, पूरे पाकिस्तान में फैलता है, कल को फॉर एग्जाम्पल जी मेरी, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्लानिंग है मैं दुबई में लेके जाता हूँ, आप मुझे ये बताओ एज अ ओनर मैं सारी की सारी जगह को अकेला देख सकता हूँ, नहीं नहीं देख सकता, मुझे रखने पड़ेंगे मैनेजर्स, ठीक है। अब मालिक रोज के रोज ऑपरेशंस में शामिल नहीं होता, नहीं उसका आ काम सकते। होता है महीने बाद रिपोर्ट देख ली, ये चला गया विजिट कर लिया, देख लिया एक मरतबा सारा हिसाब किताब, साल बाद जब जी फाइनल रिपोर्ट आती है उसको देख लिया, अच्छा यार हमारा इतना अच्छा हुआ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक मालिक मेरे पास आ जाए और मैं वहां पे काम करता हूँ, मैं प्रोडक्शन का बंदा हूँ, और वो मुझसे पूछ, या मैं अकाउंटेंट हूँ, वो मुझसे पूछे कि यार इस बिल्डिंग के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट्स का मुझे अलहदा अलहदा कॉस्ट, अलहदा अलहदा कॉस्ट बताओ, अगर मैं कॉस्ट जी क्लासिफिकेशन करता ही नहीं हूँ तो आप मुझे बताओ मैं अपने मालिक को रिपोर्ट कर सकता हूँ, नहीं आप नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। तो वो कहेगा भाई तू जगमान नहीं आया हुआ यहाँ पे, तुझे इस वजह से तो बैठाया हुआ ताकि तू कॉस्ट पे कंट्रोल रखे, तेरा काम सिर्फ ये तो नहीं कि बिजनेस पे जितना पैसा लग रहा है लगाई जाए, भाई इतना पैसा हमारे पास अन्ना पैसा या हमारे पास कोई ऐसी दौलत तो नहीं आई हुई जिसको हम लुटाई जाए, तेरा काम ही है कि भाई अलग अलग हिसाब किताब रख, ठीक है। तो दूसरा जी ये है कि आप इजीली रिपोर्टिंग कर सकते हो टू द ओनर, अगर नहीं कॉस्ट क्लासिफिकेशन करोगे तो रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, और नहीं वो कर बहुत सकता डेंजरस एग्जैक्टली। साइन है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट,
आपको पता है कि एक चीज की जो सेलिंग प्राइस होती है ना, कि कितने का हमने बेचना है, जी वो इस तरह आती है कि हमें उस एक चीज की कॉस्ट का पता हो, यानी कॉस्ट पर यूनिट का पता हो, ठीक है। उस पर हम जी फिर क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे सेलिंग सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए, नहीं, कॉस्ट में हम क्या चीज ऊपर ऐड करते हैं थोड़ी बहुत कॉस्ट। चलो चलो, एक बंदा बिजनेस करता है क्या कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने के लिए, ये चीज। तो आप कॉस्ट पर यूनिट में थोड़ा सा प्रॉफिट डालते हो, कहते हो यार कमाना भी तो है, हम यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस का मतलब कमाना, ओके ठीक है। तो प्रॉफिट ऐड करते हो तो सेलिंग प्राइस आती है ना उस चीज की, ठीक है। जी अब एज्यूम करो एक बिजनेस है, जरा गौर से, जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सोचना। प्रोडक्शन जी डिपार्टमेंट में ना तीन डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर तीन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक टेबल, ठीक है एक चेयर और एक बेड। ये तीन फर्नीचर का बिजनेस है, तीन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ओके अगर हम अकाउंटेंट का या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर का ये काम था, एक्चुअल काम ये था कि टेबल के हर्चे को अलहदा रखे, चेयर के हर्चे को अलहदा रखे, बेड के हर्चे को अलहदा रखे, जितना टेबल पे लग रहा है उसको अलहदा, ताकि जी हिसाब किताब क्लासीफाई हो सके, ठीक है, ताकि बाद ओके में पता चल सके कि टोटल टेबल्स अगर इतने बने हैं, उसको डिवाइड कॉस्ट को उन उतने नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड करके एक टेबल की कॉस्ट एक निकाल टेबल की सके, ठीक प्राइस है, कॉस्ट निकालें, उसमें प्रॉफिट ऐड करें और सेलिंग प्राइस निकाल सके। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनका अलहदा हिसाब रखता ही नहीं, क्लासीफाई करता ही नहीं है कॉस्ट को, ठीक है, तो क्या वो इन इन प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता नहीं बात निकाल पसंद। सकता, नहीं निकाल, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। मतलब कि वो कहे कि मेरा टोटल इतना 10 लाख का खर्चा आया, हम उसे पूछे इस पर जी टेबल पे कितना खर्चा आया, वो अगर वो आगे से कह दे मुझे क्या पता, मैंने तो टोटल गिन रहा था कि कितना आया, 10 लाख आया भाई, तीनों का आया, जो मर्जी कर दो मुझे नहीं पता। हालांकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, चेयर का हिसाब अलहदा, टेबल का अलहदा, बेड का अलहदा, ताकि और बैठ कर रहा था। यस एट द एंड कॉस्ट पर यूनिट आपको पता चल सके कि टेबल पे कितना एग्जैक्टली कॉस्ट। और अगर कॉस्ट पर यूनिट नहीं पता चलेगी तो प्रॉफिट जितना मर्जी ऐड कर प्रॉफिट लो, नहीं सेलिंग प्राइस आ सकती है? नहीं आ सकते। नहीं आ सकती। और अगर आपने गलती से ज्यादा सेलिंग प्राइस सेट कर दी तो आपकी वो चीज बिकेगी नहीं, और अगर आपने गलती यस से कम सेलिंग प्राइस रख दी तो आपका बिजनेस लॉस पे चले जाएगा, ठीक लॉस में जाएगा। है। तो एक फायदा ये यस है कि फॉर सेलिंग प्राइस, प्राइस ठीक है, इसके लिए भी ये कॉस्ट बहुत क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट की है। जाती है। इंपॉर्टेंस समझ आ गई कॉस्ट क्लासिफिकेशन की? यस सर आगे इसमें हाँ जरूर, ये जरूरत है, बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ने जी लगे हैं कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन की टाइप्स, कॉस्ट क्लासिफिकेशन को प्रॉपरली हम पढ़ने लगे हैं। देखो कॉस्ट जी क्लासिफिकेशन दो लिहाज से, एक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और एक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। बिहेवियर अच्छा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर का क्या मतलब है, जरा गौर से समझना। कॉस्ट जी क्लासिफिकेशन का तो हमें समझ आ गया, बाय फंक्शन और बाय बिहेवियर। ये जो बाय फंक्शन है ये एक अलहदा चैप्टर है, सही है, जी बुक्स के अंदर, और बाय फंक्शन अलहदा है और बाय बिहेवियर एक अलहदा चैप्टर है। सेपरेट मे बी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, अभी मैंने ना 1 2 3 चैप्टर नहीं करवाए, वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो हम एंड पे करेंगे, मैं थ्योरेटिकल सारे एंड पे करवाता हूँ, क्योंकि वो सारा जब ओके हमने न्यूमेरिकल किया होता है तो थ्योरेटिकल हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं, यही बातें सारी उसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो कॉस्ट ओके क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और बाय बिहेवियर। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन का मतलब समझते हैं। फंक्शन का जी मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर परफॉर्म हो रही है, एनी एक्टिविटी परफॉर्म इन द बिजनेस। मैं कुछ एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली मेन एक्टिविटी बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होती है, तो जी ये एक एक्टिविटी है। बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली सेलिंग भी होती है, सेल्स वगैरह भी जी होती है बिजनेस में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सारे नाम लिए थे, वैसे जी एडमिनिस्ट्रेशन भी लिया था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस के अंदर रिसर्च भी आर हो एन रही है, डी जी बिजनेस में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब जिसने पैसों का हिसाब किताब रखना होता है, ठीक है, जो जी जिसने मजीद इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना होता है, यानी इन्वेस्टमेंट आगे करके बिजनेस को ग्रो करना होता है, और वो तरीके बताता है कि बैंक से किस तरह लोन लेना है, कितना लोन लेना है, कब लोन लेना है, ताकि बिजनेस डूबे ना, फाइनेंशियली उसको इश्यूज ना है, ठीक है। ओके इसके डिस्ट्रीब्यूशन अलावा एक आपका एक एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी होता डिपार्टमेंट जी
ठीक है, ये छह आपके क्या हैं, एक्टिविटीज हैं, छह आपकी क्या हैं, एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज है। बिजनेस के अंदर टोटल ये छह एक्टिविटीज होती हैं, ये मेन छह एक्टिविटीज हैं। इसके अलावा बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती। अगर आप कोई भी एक्टिविटी सोच लो कि बिजनेस अपने क्या कहते फिर हैं मार्केटिंग भी तो होता है ना। मार्केटिंग, सेलिंग में नहीं आ जाएगा, सेलिंग में, सेलिंग के अंदर चीज बेचने की नहीं मार्केटिंग करते हो ना, चीज जी बिक जाए मार्केटिंग इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके चलें ये सही है। सारे, ये सारे हेड्स हैं, ये सारे हेड्स हैं। अब मार्केटिंग सोच लो, अब प्रोमोटिंग सोच लो कि हमने कोई प्रोमोशन करनी है किसी प्रोडक्ट जी की, तो वो प्रोमोशन की नियत क्या है, नियत ये है कि वो सेलिंग आपकी वो बिक जाए प्रोडक्ट बिक जाए, सेलिंग। जी जैसे फॉर एग्जांपल आप कह दो कि बिजनेस के अंदर पैकिंग भी तो होती है, सारे डब्बे पैक होते हैं, ठीक है, तो वो किसमें जी आएगा, तो वो प्रोडक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि जिस चीज तो बन रही है लेकिन उसकी पैकिंग भी प्रोडक्शन के अंदर आएगी। ठीक है, यस अच्छा एक जी मिनट, सर अजान हो जाए, अजान होती है फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, श्योर सर अच्छा हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस के अंदर कुल एक्टिविटीज छह ही हैं जो कि मैंने आपके आगे लिख दी। आपके जहन में जी कोई भी आई, कोई भी आती है ना, वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर ही होंगी। ठीक है, वो सारी अभी मैं ओके डिस्कस करूंगा, अभी मैंने सबको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, अब हमने ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्या समझा, फंक्शंस की डेफिनेशन, बाय फंक्शन की डेफिनेशन, के ये फंक्शंस होते हैं, ये एक्टिविटीज होती हैं जो कि बिजनेस जी अपने अपने बिजनेस में परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है, अब पोस्ट ओके क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन का मतलब ये है कि इन एक्टिविटीज की बेस पे ये सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट भी होती है अलग अलग, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉस्ट होती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दी हुई है। ठीक है, जैसे यस प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिसर्च कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये सारे के यस सारे जो ये मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं, फंक्शंस बताए हैं, ये कॉस्ट भी तो इंकर कर रहे हैं भाई, पैसा भी तो लगा रहे हैं, तभी तो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे की एग्जैक्टली सारी छह कोर्स हमने कहाँ पढ़नी है, बाय फंक्शन के अंदर हम एक एक करके सारी कोर्स को पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यस हमारे पास अभी बाय बिहेवियर को इग्नोर करना है, ये नेक्स्ट चैप्टर में, ओके अभी इसको नहीं देखना, अभी बाय फंक्शन में हम आ गए। ठीक है ना, अब बाय फंक्शन के अंदर एनी एक्टिव, ये मैंने बताया कि एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है और छह कोर्स बता दी। सबसे पहली कोर्स हमारे पास कौन सी है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, आप अपना जब यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, या प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, उस चीज को बनाने पे जितना खर्चा आता है, जितना खर्चा आता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ओके ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे हमारे आगे ना बहुत ज्यादा चीजें खुलेंगी, वो ये कि हम ना अपने ना रियल जिंदगी में ना थोड़ा तसव्वुर कर रहे होते हैं, हमारे जहन में बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं कि जैसे जी माल चाहिए तो प्लास्टिक चाहिए, ये चाहिए, हमें लग रहा था यही खर्चा आ रहा है, बट अभी हम यहाँ पे इतनी क्लासिफिकेशन करेंगे, इतनी चीजें समझेंगे कि हमारा एक जी जेन खुल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो नॉर्मल दुनिया है वो नॉर्मल है, ACCA तो वैसे भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ACCA का फर्स्ट फैसला कर लिया, मेरा ख्याल है वो नॉर्मल होंगे ही नहीं जिन्होंने फैसला किया है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, इसके अंदर प्रोडक्ट बनाने का जितना भी खर्चा आ रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, इससे होगा एग्जाम्पल के यस तौर पे, एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मार्कर्स बना रहे हैं, ठीक है, मार्कर्स हम बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री है मार्कर्स बनाने की, उसको बनाने जी के लिए जो प्लास्टिक है वो भी उसका खर्चा क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा, उसको बनाने के लिए यस इंक है या इंक कोई भी चीजें हैं उसको बनाने के लिए उसका पार्ट। अच्छा, अब उस फैक्ट्री के अंदर, उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबर काम कर रही है, जिसे हम मशीन ऑपरेटर्स बोलते हैं, जो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं और मशीन डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व है, बना रहे हैं वहां पे मार्कर्स बनाने में इन्वॉल्व है, वो उनको आप सैलरी दे रहे हो या वो कोई रिश्तेदार है जो फ्री में काम कर रहे हैं, सैलरी दे रहे सैलरी हो, लेंगे ना सैलरी जी जी लेंगे तो सैलरी जब वो ले रहे हैं तो उनकी तो सैलरी है, बिजनेस की क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, और जी बिजनेस की कॉस्ट कहाँ लग रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लग रही है ना, तो ये प्रोडक्शन उन कॉस्ट लेबर्स का, के देने में ठीक है, प्रोडक्शन जी कॉस्ट का पार्ट होगी। अच्छा, इसके बाद फैक्ट्री में आपको, आपके पास सुपरवाइजर होता ही है ऑब्वियसली, सुपरवाइजर जी तो हर जगह होगा, मैनेजर तो हर जगह होगा, उसके बगैर तो काम चल नहीं सकता, तो मशीन ऑपरेटर्स को सुपरवाइज करने के लिए एक सुपरवाइजर होगा। ठीक है, वो फैक्ट्री यस के अंदर काम कर रहे हैं ना, अब देखो फैक्ट्री सुपरवाइजर क्या खुद मशीन के ऊपर लगा हुआ है, बताओ, नहीं वो तो सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं ना, बट ये काम कैसे हो रहा है ही इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो उसको देने वाली सैलरी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कॉस्ट क्लियर में है? आएगी यस यस ठीक है, सर उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल जो मशीन है वो हायर करके लाए हो, हायरिंग ऑफ द मशीन, उसका आप किराया दे रहे हो,
जी ठीक है। अब मशीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर है ना, तो वो जो किराया आप पे कर रहे हो कि क्या किस कोर्स में जाएगी, प्रोडक्शन कोर्स का पार्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बन। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ सर, तक? लेकिन हाँ हाँ यस सर, सर जो मशीन आप लेके आए हैं वो तो एक ही दफा होगा ना, वो बार बार तो नहीं ऐड करेंगे आप? जितनी जब जब ऐड करना होगा, लेकिन जब भी ऐड करना होगा, एक मरतबा करो, दो मरतबा करो, तीन मरतबा, जब भी करना है करना कहाँ पे? जी प्रोडक्शन कॉस्ट में। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने में। ये नहीं बोला कि बार बार आपने ऐड करना है। जैसे मैं कभी कभार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ना सारा कुछ है, लेबर भी मेरी जानने वाली है, मेरे पास माल भी है, मेरे पास ना फैक्ट्री कम पड़ गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पता है कि मेरे साथ वाली फैक्ट्री में सेम वही मशीन लगी हुई है और मेरे पास एक्स्ट्रा लेबर भी है जो काम कर सकती है। मैं उस मशीन के ओनर को, यानी कि उस फैक्ट्री के ओनर को कॉल करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ, यार जी मुझे ना एक महीने के लिए मशीन दे दे। ठीक है, अब वो ओके एक महीने के लिए मैं मशीन उससे किराए पे ले लेता हूँ, उसके लिए जो मैं पे कर रहा हूँ उसको, एक मरतबा ही कर रहा हूँ पे, उसके बाद हो सकता है मैं वापस आ जाऊँ और अपनी फैक्ट्री के अंदर आ जाऊँ। लेकिन जब जी तक जितना मैं पे कर रहा हूँ, उसने कहा ठीक है आप जितनी मर्जी इस पर प्रोडक्शन करो, 1 लाख रुपया मैं दे दूँ। वो 1 लाख सर, जो है वो किसका पार्ट बनेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट का प्रोडक्शन सर, मैं कॉस्ट ये का। कह रही थी फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट में अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक ले रहे हैं मशीन, ठीक है, अब वो तो परचेज हो गई है वंस एंड फॉर ऑल, हाँ, वो उसको बार बार परचेज तो नहीं करेंगे? परचेज बार बार नहीं करेंगे, वो अलग चीज है। वो तो हो गई है परचेजिंग इज यस अलग चीज। ये क्या लिखा हुआ है? हायरिंग। हायरिंग जी, हायरिंग ओके मतलब परचेज अगर करोगे तो वो तो एक मरतबा करनी है ना, उसके बाद तो आप नहीं करोगे, एग्जैक्टली उसके बाद आप नहीं करोगे, वो ऑब्वियस सी बात। ठीक है ना, और उसकी फिर प्राइस भी ऐड नहीं होगी, मतलब कॉस्ट नहीं ऐड होगी दोबारा? उसकी कोर्स उसके लिए ना आपका एक क्या कहते हैं, आप पढ़ोगे इसको F3 के अंदर, कि अगर आप एक मशीन खरीद रहे हो जो कि प्रॉपरली आप खरीद रहे हो, आप परचेज कर रहे हो उसको, अब आप उसको जी परचेज करने के लिए, इसको हम बोलते हैं ऐसे एसेट्स, एसेट्स जो आपने खरीदे और आपने आने वाले काफी साल यूज करने, उसको फिर आप यस अलहदा ट्रीट करते हो, उसको अलहदा ट्रीट करते हो। यहाँ पे सिर्फ उन चीजों की बात हो रही है जो उनका ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट बार बार लग रही होती है। ठीक है, जो हर चीज बार बार हो यस रहे होते हैं, हो हायरिंग रहे बार हैं बार हो ओके सकती है, मशीन ऑपरेटर्स बार बार है, सुपरवाइजर, इंक, प्लास्टिक, बार बार चीजें लग रही है ना, ये वो कॉस्ट। ठीक है, ओके अच्छा, इसके बाद आपको यूटिलिटी बिल्स आ ही रहे होंगे, जो जी इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली गैस और वाटर का बिल आ रहा होगा, जो फैक्ट्री में आ रही है, फैक्ट्री के बिल है। ठीक है ना, जी ये भी किसका पार्ट बनेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? यस प्रोडक्शन कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? यस सर क्लियर है अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट आगे डिवाइडेड है इंटू सब डिवाइडेड है, बेसिकली बाय फंक्शन डिवाइडेड आगे 6 कॉस्ट में। अब प्रोडक्शन कॉस्ट आगे डिवाइडेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट आगे डिवाइडेड है इंटू 3 टाइप्स। यस एक है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंस। ये तीन कॉस्ट है जिसके अंदर आपकी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट सब डिवाइडेड है, ये सब डिवीजन है। यस अब ये आपने, ये कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे, ये ऑलरेडी हम ऊपर एग्जांपल में देख चुके हैं। बस आपने मुझे जी ये बताना है कि जो प्लास्टिक है, ये मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है? मटेरियल मटेरियल है तो साफ पता चल रहा है, जी इंक, मटेरियल मटेरियल, मशीन ऑपरेटर, लेबर लेबर, क्योंकि ये ऑब्वियसली मशीन ऑपरेटर जो वो बंदा सांस ले ले रहा है और कर बंदा रहा हर होगा काम कर रहा है, वो लेबर में आएगा। ठीक है, लेबर फैक्ट्री होगा यस सुपरवाइजर, लेबर लेबर, हायरिंग ऑफ मशीन। जी अब सुनो सुनो सुनो, देखो अगर आपको कोई ऐसा खर्चा लग रहा है, देखो आप, मैंने आपको बोला हायरिंग ऑफ मशीन, आपने सोचा थोड़ा सा, अगर आपको कोई ऐसा खर्चा लग रहा है जो ना मटेरियल है ना लेबर है, उसको एक्सपेंस में डाल जी देना। ठीक है, अब बताओ ओके हायरिंग ऑफ परफेक्ट मशीन, एक्सपेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस बिल, एक्सपेंस एक्सपेंस। ये क्लियर हुआ? एक्सपेंस यस वो सर चीज हो होती गया है जो ना मटेरियल लग रही हो ना लेबर हो और ना ही लेबर। ओके यस सही है, तो ये आपकी तीन सर टाइप्स हैं विच आर डिवाइडेड फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि सब प्रोडक्शन डिवीजन्स कॉस्ट के आगे। क्लियर है यहाँ तक? यस यहाँ पे हमारी सर पहली कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट होगी। दूसरी कॉस्ट यस हमारे पास आती है सेलिंग कॉस्ट। देखो वैसे नॉर्मली सेलिंग सेलिंग डिपार्टमेंट जो होता है, उसका काम होता है चीजें बेचना और पैसे कमाना, ऐसा ही यस है। यस सर उसमें तो पैसा आना चाहिए, लेकिन उसमें खर्चा भी लगता है, ऑब्वियसली खर्चा भी लगेगा, क्योंकि आपने जब जी प्रॉपर एक शॉप बनाई हुई है उस पर खर्चे आते हैं, तो वो सेलिंग कॉस्ट का पार्ट ओके बनते हैं।
अगर आपका कोई भी खर्चा आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की क्या डेफिनेशन जो आप प्रोडक्ट को बनाने में लगता है थी? मेकिंग हाँ, के जो लिए, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट था, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट है कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये एक साइकिल ऐसे ही बन रहा है कि पहले प्रोडक्ट बना, प्रोडक्शन हो गई, अब ये उसने आगे बिकने ही जाना है ना, सेल होने ही जाना है ना, तो इससे अगला स्टेप यस यही आता है, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग ही आता है। ठीक है, तो सेलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम यस बात करें तो हाँ, कॉस्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। अब कौन कौन यस से ऐसे खर्चे हैं जो सेलिंग का पार्ट बनते हैं? सबसे पहले सुन लो, शॉप, शॉप से रिलेटेड कोई भी, शॉप लेने की नीयत क्या होती है? चीजें बेचना, दुकान लेने की यस नीयत, आउटलेट लेने की नीयत यही होती है कि चीजें हमें बेचनी है। बिकेज शॉप से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा, अब कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपने शॉप रेंट पे ली हुई है, रेंट, उसके बाद उसके जो इंश्योरेंस अगर करवाई हुई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जी शॉप के लिए आपने शॉपकीपर रखा होगा या खुली शॉप पे जी मिलोगी? शॉपकीपर रखा होगा, शॉपकीपर ऑब्वियसली शॉप का मैनेजर होगा प्रॉपरली। ठीक है, उसके अलावा शॉप से रिलेटेड कोई भी आपके जेन में खर्चा है, शॉप का गार्ड कह लो, तो यस शॉप से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो वो कौन सी कॉस्ट में जाएगा, कौन सी कॉस्ट में जाएगा? सेलिंग कॉस्ट में सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर अच्छा, मीटिंग टाइम ना एंड हो रहा है, आप रीज्वाइन करो, सेम लिंक पे आपने ना रीज्वाइन करना है, सेम लिंक पे। ठीक है, ये ओके मीटिंग मैं बंद होगी तो आप इंस्टॉल रीज्वाइन कर लो। सही है? श्योर।